सारे सबक किताबों में नहीं मिलती, कुछ सबक ज़िंदगी भी सिखाती है। इसी थॉट के साथ वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं रेखा सिन्हा अपने चैनल रेखा द स्मॉल वर्ल्ड में फिर से आपका एक बार स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज सुबह का समय है, सब लोग चले गए हैं, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, दोनों बच्चे स्कूल और खेलने चला गया ओजस। तो बस अब मैं सबके जाने के बाद डस्टिंग वगैरह और सारा रूम वगैरह ठीक कर रही हूँ, जो मेरा डेली रूटीन का काम है। इसके बाद शाम में कुछ स्पेशल प्रोग्राम है हमारे बिल्डिंग की लेडीज़ का, तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। और आज मैं बताने वाली हूँ वॉशिंग मशीन डीप क्लीनिंग कैसे करते हैं और बहुत ही इंस्टेंट बोनसाई कैसे बनाते हैं, ये भी मैं बताऊँगी। तो ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ब्लॉग जो है वो 7th of July का है और 8th July का ही ब्लॉग इसी के साथ आएगा। 8 July को मैं गई थी शिव चर्चा में। अगर आप लोग जानते होंगे कि शिव गुरु एक बहुत बड़ी जो एक है संस्था, उसमें बहुत लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो मैं भी फर्स्ट टाइम गई थी शिव चर्चा में, उसका भी ब्लॉग आएगा इसमें साथ में। और बस शाम हो गया और हम लोग आ गए ऊपर, अपराजिता नाम है जो ऊपर में रहती हैं, उनके यहाँ चले आए हम लोग सब मिल करके, उसका बर्थडे सेलिब्रेट किए और बस बातचीत हंसी मजाक थोड़ा सा, मतलब क्या बोलें, बहुत अच्छा फ्री टाइम जिसमें हम लोग इन्जॉय किए। थोड़ा सा जो टेंशन होता है डेली का वो ख़त्म हो जाता है इस तरह से कुछ समय बिताने के बाद अपने फ्रेंड्स और मतलब सारी बहुत सारी चीज़ें। हम लोग ना इतना बिजी रहते हैं सब लोग कि एक दूसरे से मिल भी नहीं पाते हैं, तो इस तरह से एक शेड्यूल बन जाने का 15 दिन में एक हफ्ते में हम लोग आपस में मिला करेंगे किसी के घर, तो ये अच्छा है। इसके बाद ये दूसरे दिन का ब्लॉग है, 11 बजे के करीब मैं आ गई थी यहाँ शिव चर्चा। अर्चना है नीचे में, उनके घर था वो रखी थी शिव चर्चा, तो इसमें भजन वगैरह होता है और 3-4 साढ़े 4 घंटे का समय इसमें लगा, लेकिन बहुत सारी मतलब कि अच्छा है एक तरह से, मतलब बहुत ही अच्छा लगा कि महिलाएं अपना टाइम जो है भगवान के भजन में लगा रही हैं। और इसमें जो गीत भी थे ना, वो मतलब शादी का गीत जो होता है ना, उस टाइप का गीत जो है भगवान को के साथ गाया जा रहा था, मैंने फर्स्ट टाइम सुना, अच्छा लग रहा था। तो आप लोग भी इंजॉय करिए। तो अब मैं बताती हूँ कि इंस्टेंट बोनसाई जेड प्लान से आप कैसे बना सकते हैं, बहुत ईजी है। तो 4-5 जो डंडियाँ हैं वो तोड़ लें बोनसाई बनाने के लिए, और नीचे से 3-4 इंच तक ना सारे जो पत्ते हैं ना उसको निकाल दें, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। सारे पत्ते नहीं, पत्ते एक भी नहीं होने चाहिए, नहीं तो उसको रूटिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। इस तरह से आप 3-4 इंच तक नीचे से सारे पत्तियाँ निकाल दें और उसके बाद उसको अच्छे से धागे से किसी भी चीज़ से 3-4 जगह से बांध दें। मैंने पूरा ही लपेट दिया उसको ताकि वो खुले ना। अच्छे से बांधने के बाद इसको जितना हम पत्तियाँ हटाएं ना, करीब करीब 2-2.5 इंच तक उसको ज़मीन में अच्छे से
डाल देना है और इतने अच्छे से दबा देना है उसको मिट्टी को, ताकि वो पानी वगैरह देने से ना वो हिले ना, अच्छे से उसमें वो रह जाए। तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, पत्तियों को अच्छे से बांधना है और जब लगाएं ज़मीन में या गमले में, जहाँ सॉरी गमले में ही लगाना है इसको, अच्छे से दबा दें ताकि जब उसको पानी दे तो हिले ना, अगर हिलेगा ना तो रूटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। और उसके बाद ऊपर से ना जितने टिप्स हैं ना उसके, टिप्स सारा उसको छाट दें ताकि उसमें अच्छे से प्लांट जो है वो पत्तियाँ निकले नए नए। और उसके बाद ये दूसरा मैं बताने जा रही हूँ अच्छे से, जो वॉशिंग मशीन का डीप क्लीनिंग है, इसके लिए डीएस कलर पाउडर मैंने ले लिया है। और अगर आपके इसके आपके पास ना हो ना तो आप इसकी जगह सोडा यूज़ कर सकते हैं और विनेगर मिला करके। वैसे डीएस कलर पाउडर बहुत ही ईजिली अवेलेबल, देखिए कितना गंदा है मेरा ये, मैंने 2-3 महीने से साफ़ नहीं किया। हमारे यहाँ का पानी इतना खारा है ना कि सारा सामान तुरंत ही ख़राब हो जाता है, खास करके प्लास्टिक का। तो डीएस कलर पाउडर बहुत ईजिली अवेलेबल है अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, जहाँ से भी आप ले सकते हैं, या लोकल मार्केट में ही मिलता होगा, यहाँ नहीं मिलता, छोटे जगह पे ये सब नहीं मिल अवेलेबल हो पाता है। तो मैंने तो अमेज़ॉन से ही मंगा लिया है। और इसको ना ये बहुत ज़रूरी भी होता है, आप जब इसको डालेंगे ना फर्स्ट टाइम तो खुद महसूस करेंगे कितना, मतलब कि गंदगी ये जो है वो निकाल देता है, खास करके जहाँ खारा पानी है वहाँ तो हर महीने एक बार यूज़ कर ही लेना चाहिए। तो इसको डालने के बाद ड्रम क्लीन जो आता है उसमें आप वॉशिंग मशीन को डाल करके छोड़ दीजिए, खुद से ही सारा जो है वो क्लीन हो जाएगा, जो अंदर का चीज़ है वो तो क्लीन हो जाएगा, लेकिन कुछ कुछ जो बाहर का है ना वो ब्रश से हाथ से क्लीन करना पड़ता है। तो वैसे ही मैंने किया है, कुछ चीज़ों को हाथ से करना पड़ा है। देखिए जैसे कि ये जो जहाँ पे हम लोग डालते हैं सर्फ वगैरह, वो बहुत गंदा हो गया था, तो मैंने इसको स्कॉच ब्राइट से अच्छे से साफ़ किया, लेकिन इतना ज़्यादा हो जाने के बाद ना उतना अच्छे से साफ़ नहीं होता है, मतलब 80% तो साफ़ हो गया पर पूरा क्लीन अच्छे से नहीं हुआ ये सब भी। और बीच में जो रबर के बीच में गंदगी फंसी होती है ना, उसे भी आप कपड़े से निकाल दें, लगभग निकल गया था पाउडर डालने के बाद, लेकिन थोड़ी बहुत जो रहती है ना वो सूखे कपड़े से निकाल सकते हैं। और इस तरह से देखिए मेरा जो वॉशिंग मशीन है, मतलब कि महीने में एक बार तो क्लीन कर ही देती हूँ डीप क्लीन इस तरह से, ताकि वो अच्छे से, मैं बालकनी में रखती हूँ तो गंदा ज़्यादा होता है, मैंने कपड़ा 3 तरफ से तो डाल के रखती हूँ, बस सामने में कपड़ा नहीं डालती हूँ, इसलिए उधर गंदा नहीं होता, सामने में थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है, जिसको मैं लगभग हर दिन जब भी वॉशिंग मशीन चलाती हूँ तो एक बार कपड़े से उसको पोंछ ही देती हूँ। तो बस देखिए मेरा वॉशिंग मशीन, अब इसके बाद जब डीएस कलर पाउडर के डालने के बाद जब वॉशिंग मशीन खोलेंगे ना, तब को खुद समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी, मतलब कि जो खुशबू है वो आ रही है, और मैंने सोडा या ब्लीचिंग टाइप का खुशबू आता है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हैं, तो खुशबू और भी अच्छे से आएगी। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूँ, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और नहीं अच्छा लगा हो तब भी आप कमेंट्स कर सकते हैं कि क्या और करने के लिए और क्या कर सकते हैं जिससे सबको ब्लॉग अच्छा लगे आप लोगों को। तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वंस अगेन।